थाना एदमापुर के नेशनल हाईवे पर स्थित मारुति सुजुकी के वर्कशॉप में सुबह तड़के अचानक आग लग गई, जिसमें 5 गाड़ियां जलकर राख हो गई, तो वहीं ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। के एदमापुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित मारुति सुजुकी के वर्कशॉप में सुबह तड़के आग लग गई, जिसमें 5 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। वर्कशॉप में लगी आग पर ग्रामीणों द्वारा और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। एदमापुर के थाना क्षेत्र के भागुपुर स्थित KTL वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग में करीब 5 गाड़ियों की अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के ग्रामीणों ने अन्य गाड़ियों को बमुश्किल बाहर निकाला, लेकिन तब तक 5 गाड़ियां धू धू कर जल उठी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड में करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया। राकेश यादव है। अभी भी क्या करीब सुबह 6 बजे कुमेरपुर नला रामबक्स में KTL वर्कशॉप में बहुत भयंकर आँच लग गई थी। इसमें हम लोग टेलवे जा रहे थे और बहुत बड़ी आँच थी। इसमें हमारे गांव के लोगों ने बहुत मदद करके करीब 30 गाड़ियों को बाहर निकाला है। कितनी गाड़ियाँ जल गई हैं? करीब करीब 7 गाड़ियों का जल्दी की तो आग लगी है। 7 गाड़ियाँ बहुत भयंकर आग थी। अच्छा, और गाँव वाले अपनी जान पर खेल गए, उन्होंने बहुत मदद की है इसमें। अच्छा, और गाड़ियों को बाहर निकाला है। बाद में पुलिस प्रशासन भी आ गया था। कहाँ पता चला किस तरह से आग लगी, कैसे लगी आग? बता रहे हैं कुछ बिजली के तार से शॉर्ट होकर आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ठीक है, और इसमें नुकसान काफ़ी हुआ है। ठीक है, और सुबह का वक्त था, कोई कर्मचारी भी नहीं था यहाँ पर। ओके।